नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली न्यू में। जी हाँ फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जेई 2018 से निकल के। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस होने वाली है एबसेंट कैंडिडेट के लिए। जी हाँ फ्रेंड, जो जो कैंडिडेट एबसेंट थे या एब्सकॉडेड थे, तो उनके लिए आरबी ने एक नोटिस जारी किया आप लोग कैंडिडेट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंडिडेट का जो मेडिकल एग्जामिनेशन फिर से होगा। जी हाँ फ्रेंड, उनको फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन बुलाया गया। आप लोग का मेडिकल एग्जाम का डेट डेट है 14 जनवरी 2020 रखा गया, यानी 14 जनवरी 2020 को आप लोग को रिपोर्ट कर देना अपने आरआरबी जोन पे। और फ्रेंड, फाइनल चांस, इसके बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, ये फाइनल चांस है जो जो कैंडिडेट एबसेंट है उनके लिए। चलिए फ्रेंड्स, के रिगार्डिंग चलते हैं ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इससे पहले फ्रेंड, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर इंटरव्यू मिलते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो ऑफिशियल नोटिस देखने के सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद, जैसा मैं आया हूँ, जैसे इस पर आए तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग को। आज की डेट में थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। देख सकते हैं आज की डेट में, यानी 20/1/2020 की डेट में, यानी 20/1/2020, यानी आज की डेट में देखते हैं। नोटिस टू कैंडिडेट एबसेंट या एब्सकॉर्डेड इन मेडिकल एग्जामिनेशन सेल नंबर 03/2018। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या सब मेंशन किया गया फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी फ्रेंड, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। तो चलिए इंपॉर्टेंट नोटिस देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ मैंशन किया गया। चलिए देख लेते हैं, क्या नोटिस टू द कैंडिडेट हु हैव बीन आइदर एबसेंट आर एब्सकॉर्डेड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल अंडर सेल नंबर 03/2018 जेई डीएमएस एंड सीएमएस के रिगार्डिंग, इसके लिए नोटिस। चलिए देख लेते हैं विस्तार में क्या डिटेल मेंशन किया गया। तो पॉइंट नंबर वन में देखिए फ्रेंड, द लिस्ट ऑफ 2000 यानी 2269 कैंडिडेट को जो है, 79 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया था कैंडिडेट, जिसमें जेई डीएमएस सीएमए जो भी पोस्ट था, जो कि सेल नंबर 03/2018 यानी जेई के अंडर में था, वो अभी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, जिसको प्रोविजनली जो शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। तो फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी कराया गया था, फिर उनका एमई कराया गया था, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन वाज पब्लिश ऑन वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि पब्लिश कर दिया था, जो कि 1/11/2019 की डेट में पब्लिश हो गया था। द डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन यानी एमई ऑफ द कैंडिडेट वाज हेल्ड फ्रॉम, इनका जो डिग्री करने वाला मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जो कि फ्रेंड देख सकते हैं 24/11/2019 से लेके 14/12 यानी 14 दिसंबर 2019 तक हुआ था। फ्रेंड, जो जो एबसेंट कैंडिडेट उनके लिए ब्लॉक डेट रखा गया, जो फ्रेंड 18/12/2019 को उनको कराया गया, जो कि फ्रेंड एबसेंट कैंडिडेट के लिए, देखिए साफ यहाँ मैंशन लिखिए, एबसेंट कैंडिडेट के लिए कराया गया, जो कि सुविधारगंज प्रयागराज में हुआ था इनका। फिर उसके आधार पर देखिए पॉइंट नंबर टू, आरआरबी इलाहाबाद गॉट रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस डिविजनल मेडिकल हॉस्पिटल, यानी आरआरबी जो इलाहाबाद उनको रिपोर्ट किया मेडिकल हॉस्पिटल ने, तो उनके रिपोर्ट में ये आया कि देर वेर सम कैंडिडेट, जो कुछ ऐसे कैंडिडेट को हुआ है आइदर नॉट अटेंडेड, जो कि अटेंड नहीं किया मेडिकल एग्जामिनेशन और एब्सकॉर्डेड, यानी उनको एब्सकॉर्ड कर दिया गया मेडिकल एग्जामिनेशन से। द कैंडिडेट वेर आइदर एबसेंट और मेडिकल एग्जाम से एब्सकॉर्डेड फॉर आफ्टर रिपोर्टिंग मेडिकल हॉस्पिटल, यानी मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ करवा दिया, मेडिकल हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं किया, एब्सकॉर्ड करके उस कैंडिडेट लिए को मौका ने आरआरबी दिया। देख सकते हैं जो कैंडिडेट एब्सकॉर्डेड थे या जो कैंडिडेट एबसेंट थे मेडिकल एग्जामिनेशन 2024, देखते 24/1 यानी 24 जनवरी 2020 को आप लोग 10:30 बजे अपने आरआरबी पे रिपोर्ट करना। जी अपने अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोग को जाना, यानी प्रूफ लेके जाना, सपोर्टिंग यानी प्रूफ लेके जाना किस वजह से आप लोग जो है, आप लोग जो शेड्यूल डेट था उस पर मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवाया, इसके रिगार्डिंग आप लोग एक डॉक्यूमेंट लेके जाना। द कैंडिडेट हु विल नॉट रिपोर्ट, यानी आप जो रिपोर्ट नहीं करेंगे, देख सकते हैं आप लोग कैंडिडेट जो असेंबली रिजेक्टेड, जो 24 को मौका मिलेगा नहीं करते, तो आप लोग जो कैंडिडेट फुली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री में देखिए, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देम ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितना डॉक्यूमेंट सपोर्ट करना सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट लेके आ जाइएगा आप लोग रेस्पेक्टिव, तो अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएगा। फ्रेंड देख सकते हैं मेडिकल एडमिट कार्ड, यानी जो मेडिकल का एडमिट कार्ड उसको भी ले जाएगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो उसको भी लेके जाना है। द कैंडिडेट हुज रीजन नॉट अटेंडिंग कंप्लीटिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इज विल नॉट सेटिस्फैक्टरी, देयर कैंडिडेट विल बी कैंसिल, यानी जो मेडिकल रीजन जो आप लोग सेटिस्फैक्ट्री नहीं देंगे या कोई ऐसा प्रूफ नहीं देंगे जो आप कैंडिडेट है, तब भी आप लोगों को देखिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को सॉलिड प्रूफ लेके जाना है, इसलिए आप लोग जो है नहीं कि उस दिन मान लीजिए आप लोग कोई अदर एग्जाम था या आपको कोई तबीयत खराब है, कोई इशू इस तरह का, मतलब आप लोग को जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब लेके जाना है। दिस इज़ फाइनल अपॉर्चुनिटी, मतलब ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, आप लोग और भी कोई मौका जो है नहीं दिया जाए। देख सकते हैंज़ बिन हु हैव बिन एबसेंट या एब्सकॉर्डेड मेडिकल एग्जामिनेशन नो फर्दर विल बी गिवन, दे विल ऑल्सो इन्फॉर्म थ्रू एमएस, आप लोग को SMS या ईमेल भी सेंड कर दिया, इसके बाद आपको कोई भी मौका आरएलबी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं जो कि क्लियरली पॉइंट नंबर 4 उन्होंने मेंशन कर दिया है।
एवरी कह रहा था, तो छोड़िए चलिए देखे थे, रोल नंबर देखिए हम लोग, रोल नंबर जो जो कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया उनका रोल नंबर देखिए, मेंशन किया गया, यानी 13 कैंडिडेट ऐसे जिनको बुलाया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इनका रिपोर्टिंग टाइम, देखिए आप लोग रिपोर्ट करना 24 जनवरी 2020 को रिपोर्ट करना, कितने समय, 10:30 बजे आप लोग रिपोर्ट करना। तो ये आप लोग यहाँ पर रोल नंबर देखिए मेंशन किया, अपना रोल नंबर चेक करिए जिन कैंडिडेट का, देखिए 13 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनको आप लोगों को रिपोर्ट करना है मेडिकल हॉस्पिटल जो कि अलाहाबाद में। यहाँ पे देखिए नीचे क्लियरली मेंशन किया, कैंडिडेट आर हियर बाय एडवाइज डेट दिस विल बी फाइनल चांस, यानी ये फाइनल चांस है आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो क्लैरिफिकेशन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करें, इसके बाद आपको कोई भी चांसेस नहीं दिया गया। देख सकते हैं नोटिस नंबर देखिए 02, यानी दूसरा नोटिस 2020 का डेट देखिए, आज की डेट में नोटिस हुआ 6 महीने, तो बहुत ही अच्छी नोटिस आ रही है फ्रेंड्स। एबसेंट कैंडिडेट, एब्सकॉर्डेड कैंडिडेट आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी और अर्ग भी दे रही है, अपने जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।